सो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं आपको दोस्त से ब्रॉलर और वेलकम करता हूं अपने ब्रॉल स्टार की वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप बड़े आराम से यहां पर टोटली नॉर्मल चैलेंज जी सकते हो। तो गाइस बिना किसी तरीके अपना इंट्रो लगा लेते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस चैलेंज के अंदर हमें यहाँ पर जेम्स मिलने वाले हैं। तो गाइस अब सोच रहे हो आपके कितने जेम्स मिलने वाले हैं हमें यहाँ पर। तो गाइस हमें टोटल यहाँ पर मिलने वाले हैं 5 जेम्स, जो कि गाइस काफी कम है। मतलब भाई क्या ही बोलूं मैं इसको। मतलब भाई तूने इतनी मेहनत की और खाली तुम्हें भाई 5 जेम मिल रहे। तो गाइस बात करते हैं पहले मैप की। तो गाइस पहले मैप पे आने वाला है यहाँ पर जेम ग्रैब, जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि गाइस जो आपके यहाँ पर नॉर्मल स्पीड होगी गाइस वो यहाँ पर 2x होगी, जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से रखना खेलो। तो गाइस बात करें इसके बेस्ट ब्रॉलर्स की, तो इस मैप पे बेस्ट ब्रॉलर यहाँ पर रहेंगे गाइस एक टिक तो पक्का लेना पड़ेगा आपको। इस टिक यहाँ पर जेम ग्रैब की मैप के अंदर गाइस बेस्ट रहते हैं यहाँ पर। और गाइस जो सेकंड ब्रॉलर होगा गाइस यहाँ पर होगा डिफेंडर ब्रॉलर, जो कि यहाँ पर होगा गाइस स्पाइक, जो कि गाइस बहुत अच्छा काम करता है डिफेंस का। और इसका हाई डैमेज की वजह से गाइस इसकी स्पीड में भी कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। और इस लास्ट में आते हैं यहाँ पर अपना बहुत तगड़ा ब्रॉलर, जो कि यहाँ पर लियोन, क्योंकि गाइस इस मैप के अंदर आपकी स्पीड यहाँ पर तेज होने वाली है। तो गाइस यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि आप लियोन में यहाँ पर ऑटो एम यूज करोगे गाइस। ऑटो एम में यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर जो स्पीड होगी गाइस वो दोगुनी होगी। तो मतलब गाइस यहाँ पर आपको अगर एम लाओगे तो गाइस आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो बेस्ट रहेगा गाइस यहाँ पर आप ऑटो एम से यूज करो अपने लियोन के लिए। तो गाइस बात करते हैं सेकंड मैप की तरफ। तो गाइस सेकंड मैप में आने वाला है हॉट जोन, जो कि यहाँ पर गाइस डबल हॉट जोन होता है, देखते हैं एक एनिमी की तरफ एक अपनी तरफ। तो गाइस यहाँ पर ट्विस्ट ये आने वाला है गाइस। ट्विस्ट यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो आपका गाइस स्क्रीन होगी वो राइट और लेफ्ट नीचे गिरेगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर पायरेट वाला मोड खेला होगा, यहाँ पर जो भी ब्रॉस्टर का अपडेट आया पहले पायरेट शिप वाला, तो वैसे यहाँ पर आपकी जो शिप होती है वो टिल्ट करती। तो वैसे सेम यहाँ हॉट जोन में ऐसी होने वाला, तो आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा इस मैप के अंदर। तो वैसे मैप में ये होता है गाइस जिस साइड में आप टिल्ट करोगे तो उस साइड के जाओगे तो वहाँ पर गाइस आपकी स्पीड तेज होगी, बट अगर आप उसके अपोजिट साइड जाओगे तो गाइस वहाँ पर आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको चढ़ने में। तो इसके बेस्ट ब्रॉलर की बात करते हैं, इसमें बेस्ट ब्रॉलर यहाँ पर ये रहेगा कि गाइस मैंने तो यहाँ पर स्टू लिया है। तो स्टू यहाँ पर बहुत अच्छे काउंटर करते हैं बहुत अच्छे टैंक ब्रॉलर्स को। और गाइस सेकंड में यहाँ पर लिया अपने टैंक ब्रॉलर, जो कि यहाँ पर होता है फैंग, जो बहुत काम करता है। और सपोर्ट में गाइस यहाँ पर लिया एम्स, क्योंकि एम्स का यहाँ पर डैमेज बहुत ज्यादा होता है और उसके गाइस सपोर्ट रोल भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पर एम्स दिया है। और अगर आपके पास इनमें से कोई ब्रॉलर हुआ नहीं तो गाइस यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर जरा जैसी लेस्ट हो गए, जैसी अच्छा ब्रॉलर रहेगा यहाँ पर, वरना गाइस यहाँ पर डेरल लेस्ट हो गए, डेरल भी बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो गाइस जो यहाँ पर अगला मैप आने वाला होगा सीज। अब गाइस सीज में मैं ज्यादा अच्छा हूँ नहीं प्लेयर, तो यहाँ पर तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर सीज के अंदर। तो गाइस सीज में आपने यहाँ पर देख सकते हैं गाइस सीज में यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है कि जो आप और आपका एनिमी होंगे उसमें जो सुपर चार्ज होगा गाइस वो जल्दी जल्दी चार्ज होगा। मतलब गाइस यहाँ पर आपके जल्दी जल्दी सुपर आप यूज कर सकते हो, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है यहाँ पर। तो गाइस बात करते हैं मतलब इसके बेस्ट ब्रॉलर कैसे रहेंगे। तो गाइस आपको जहाँ लेन देख रहे हो तो इस लेन में आपको डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, मतलब एक को सेंटर रहना पड़ेगा, एक को राइट और एक को लेफ्ट रहना पड़ेगा। तो गाइस बेस्ट ब्रॉलर यहाँ पर होंगे। तो गाइस थ्रोअर में तो गाइस यहाँ पर बेस्ट रहेगा बार्ली, क्योंकि बार्ली यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट रोल रखता है और इसका हाई डैमेज की वजह से गाइस बहुत काम आ सकता है। और गाइस दूसरा यहाँ पर रहेगा टैंक ब्रॉलर, जो कि होगा बस। तो गाइस मैंने यहाँ पर बस को दो रीजन से रखा है, एक तो गाइस ये होगा कि जो भी क्लोज रेंज टैंक ब्रॉलर होंगे उनको गाइस आराम से मार सकता है, और दूसरा गाइस ये रखा कि गाइस जो अपना पहला पॉइंट होता है सीज के अंदर वो लेने के लिए गाइस अपना गैजेट यूज करते हैं, जिससे हमें पहला पॉइंट मिल जाएगा तो हमारा सीज गाइस यहाँ पर कंफर्म होता है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। तो गाइस यहाँ पर जो तीसरा ब्रॉलर होगा वो यहाँ पर होगा गाइस गेल। अब गाइस गेल का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल कर सकते हैं, इसका जो रेंज है गाइस वो बहुत ज्यादा वाइड है और इसकी रेंज गाइस काफी अच्छी लंबी भी है, तो यहाँ पर गाइस ये अपना कंट्रोल कर सकता है अपने एक एरिया में, तो ये बेस्ट रहेगा यहाँ पर यूज करने के लिए। तो गाइस अगर आपके पास यहाँ ब्रॉलर नहीं होंगे तो गाइस यहाँ दूसरे ब्रॉलर की बात करें तो गाइस दूसरे ब्रॉलर यहाँ अच्छे रहेंगे, जैसे कि यहाँ डेरल अच्छा रहेगा बहुत अच्छा, वरना गाइस यहाँ पर फैंग अच्छा रह सकता है, यहाँ पर मॉर्टिस भी अच्छा रह सकता है। तो गाइस ये थे यहाँ पर। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैप की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट मैप आने वाला है पर हाइस्ट, जो गाइस थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर तीन लेन है और गाइस तीन लेन में आपको डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा आपके ब्रॉलर्स को, और यहाँ पर गाइस आप दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने लिए यहाँ पर ब्रॉलर लिया है मैक्स। अब गाइस अगर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप मैक्स नहीं खेल पाते यहाँ पर, क्योंकि गाइस इस मैप में यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है कि आप थोड़ी देर के यहाँ पर गायब हो लियोन की तरह। तो यहाँ पर गाइस इसके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर अगर आपको मैक्स चलाना नहीं आता मत देना, क्योंकि गाइस मैक्स के यहाँ पर बेस्ट मूव करता है, जो कि होता है यहाँ पर स्पीड। अब गाइस स्पीड से यहाँ पर किसी भी ब्रॉलर को मार सकते हो, आप यहाँ पर गायब रहोगे और आराम से किसी भी ब्रॉलर को डॉज करके उसकी स्पीड से मार दोगे। तो यहाँ पर गाइस अगर आपको आपको डॉज करना नहीं आता होगा तो बेस्ट रहेगा कि आप इसको मत लेना, वरना इसके अलावा गाइस आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोला मिल जाएगा, वरना आपको बेल मिल जाएगा, अच्छे अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और अगर अपने सेकंड ब्रॉलर की बात करें तो सेकंड ब्रॉलर यहाँ पर रहेगा ईव। अब गाइस ईव यहाँ इसलिए मैंने रखा है क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ पर बहुत सारे मैप पे पानी है, अगर इस मैप पे पानी है तो यहाँ पर आराम से किसी को भी सपोर्ट देता है ईव, तो यहाँ पर गाइस मैंने इसलिए ईव को चुना यहाँ पर। और तीसरा ब्रॉलर यहाँ पर कोई भी लॉन्ग रेंज ब्रॉलर, जैसे कि यहाँ पर आप पाइपर ले सकते हो, वरना आप यहाँ पर बेल ले सकते हो। तो गाइस बात करते हैं मैम नेक्स्ट मैप की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट मैप आने वाला है यहाँ पर बास्केट ब्रॉल, जो कि गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत इजी है मैम। गाइस मैं आपको बहुत सारी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दी है, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पर गाइस ट्विस्ट ये आता है कि जब भी आप यहाँ पर खेलने जाओगे तो यहाँ पर गाइस नीचे से बहुत सारे यहाँ पर हीलिंग के स्पॉन करेंगे, जो कि आपको 1000 की हील देंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके एनिमी यहाँ पर हील होते रहेंगे, वरना यहाँ पर आपको ऐसा कंट्रोल करना पड़ेगा मैप को, जहाँ पर आपको हील मिले और आपके एनिमी को हील ना मिल पाए।
तो यहाँ पर ज्यादातर आपको यहाँ पर खाली स्कोर ही करना पड़ेगा, तो जागो इसमें खास है नहीं। बट अगर यहाँ पर बात करें बेस्ट ब्रॉलर की, तो गाइस बेस्ट ब्रॉलर यहाँ पर रहेगा एक, तो गाइस यहाँ पर रहेगा लोला। तो इस देवला का यहाँ पर हाई डैमेज और इसकी जो रेंज है गाइस बहुत ही अच्छी काम आएगी। और दूसरा ब्रॉलर गाइस यहाँ पर आप फैंग देख सकते हैं, फैंग का यहाँ पर बहुत अच्छा डीपीएस है और गाइस यहाँ पर आराम से फैंग किसी को भी मार सकता है, किसी भी टैंक ब्रॉलर को। और गाइस तीसरा ब्रॉलर यहाँ पर रहेगा गेल, जो कि सपोर्ट रोल करेगा जो भी किसी को भी धक्का देने के लिए। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ, तो गाइस नेक्स्ट मैप आने वाला है यहाँ पर पेलोड, जो गाइस काफी इजी मैप है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने आपको बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना के दी है। और अगर आपने यहाँ पर गाइस अच्छे ब्रॉलर चुनिए तो गाइस जीत आपके आराम से हो जाएगी। तो गाइस मैंने आपको पहले से बता रखा है गाइस यहाँ पर जो बीबी है गाइस वो बहुत ज्यादा ब्रोकन है, और आपने अगर बीबी को यूज करते हो गाइस आपकी जीत यहाँ पर ऑलमोस्ट पक्का 99% आपकी जीत पक्की होगी आपने बीबी लिया है। तो अगर बात करें दूसरे ब्रॉलर की, तो गाइस दूसरे ब्रॉलर में मैंने लिया एल प्रिमो, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्लीन अप के लिए अच्छा काम करता है और अपने एनिमी को यहाँ पर रोकने के लिए अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर आपके पास एल प्रिमो नहीं हुआ तो उसके अलावा गाइस यहाँ पर जैकी ले सकते हो, क्योंकि जैकी अच्छा काम करता है। बट ना उसके अलावा गाइस यहाँ पर अपने स्क्वीक ले सकते हो, गाइस स्क्वीक यहाँ बहुत अच्छा काम करता है किसी भी को भी रोकने के लिए। तो वैसे बात करते हैं तीसरे ब्रॉलर की, तो तीसरा ब्रॉलर यहाँ पर होने वाला है जो कि गेल। गाइस गेल यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई डैमेज है इसका, और गाइस किसी को भी यहाँ पर पुश कर सकता है, तो यहाँ पर गाइस बहुत ज्यादा काम आएगा इसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर गेल सपोर्ट का रोल बहुत अच्छा कर सकता है। और ऊपर से गाइस यहाँ पर जो इसका ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है इस मैप के अंदर कि गाइस यहाँ पर मीटियोराइट शावर हो, जो कि आपको मीटियोराइट फेंकेगा ऊपर से, क्योंकि आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा वरना आपको डैमेज पड़ेगा उसकी वजह से। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर गेल रखा, गाइस गेल यहाँ अच्छा डैमेज दे सके किसी को भी। तो बात करते गाइस अपने अगले मैप की तरफ, तो गाइस जो नेक्स्ट मैप आने वाला है वो होगा यहाँ पर ब्रॉल बॉल। अब गाइस ब्रॉल बॉल यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट मैप आने वाला है, बट यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है गाइस, जो यहाँ पर गाइस बॉल होगा वो यहाँ पर 1000 का डैमेज देगा जो भी उसको पकड़ के बैठा होगा। तो आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा यहाँ पर, वरना आपके बॉल से यहाँ पर आपको डैमेज पड़ने वाला है। तो गाइस यहाँ बेस्ट ब्रॉल की बात करते हैं, बेस्ट ब्रॉल यहाँ पर रहेंगे जो कि होता है, मैंने यहाँ पर तारा लिया, तारा यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट रोल कर सकता है और इसका हाई डैमेज की वजह से बहुत काम किया है। और गाइस दूसरे यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर फैंग, जो गाइस फैंग यहाँ पर बहुत अच्छा डीपीएस है, क्योंकि मतलब बोल सकते हैं किसी भी टैंक ब्रॉल को यहाँ पर काउंटर करने के लिए रखा है मैंने। और गाइस दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पर बार्ली, क्योंकि बार्ली यहाँ पर एक थ्रोअर ब्रॉलर है, तो गाइस यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऑब्स्टिकल रखे, तो गाइस बार्ली इनके पीछे रखे आराम से डैमेज देता है ब्रॉलर्स को, तो मैंने इसको इसलिए रखा है। और आप देखते गाइस यहाँ पर जो गाइस मैप है यहाँ पर बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, हमारे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मैप है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पर ब्रॉलर अच्छे ले लिए तो गाइस आप यहाँ पर आराम से जीत जाओगे। तो गाइस बात करते हैं अपने अगले मैप की, तो गाइस नेक्स्ट मैप आने वाला है यहाँ पर बाउंटी। अब गाइस इस मैप में यहाँ पर ट्विस्ट ये आने वाला है कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पर हेल्थ धीरे धीरे जाती रहेगी, यहाँ 60-60 की हेल्थ या फिर यार 70 की हेल्थ जाती रहेगी आपके यहाँ पर, और गाइस यहाँ पर आपको हेल्थ बढ़ानी होगी तो यहाँ पर आराम से किसी को भी डैमेज देना पड़ेगा आपके एनिमी को, और जैसे आप एनिमी को डैमेज दोगे तो आपको हेल्थ बढ़ती रहेगी, वरना गाइस आपको यहाँ पर अपने हीलर रखा हो तो आपको आराम से यहाँ हेल्थ बढ़ जाएगी। तो गाइस बात करते हैं इसके बेस्ट ब्रॉलर की, तो गाइस बेस्ट ब्रॉलर में आपको पक्का रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर बायरन लोगे। गाइस बायरन यहाँ पर उसकी रेंज बहुत अच्छी है और आपकी टीममेट को हील कर सकता है, गाइस इसका जो यहाँ पर डैमेज है गाइस वो बहुत अच्छा है यहाँ पर और कांस्टेंट डैमेज देते रहता है, तो गाइस यहाँ बेस्ट है इसको लेने के लिए। और गाइस दूसरे मैप की बात, दूसरे ब्रॉलर की बात करें, दूसरा ब्रॉलर यहाँ पर होगा पाइपर, जो गाइस इसके लॉन्ग रेंज की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर, और बाउंटी है तो गाइस बाउंटी में लॉन्ग मैप का बहुत ज्यादा काम आता है। और गाइस तीसरे ब्रॉलर यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर मिस्टर पी, जो गाइस यहाँ पर सपोर्ट का रोल दे सकता है, और गाइस आपको सपोर्ट के यहाँ पर खाली सेंटर में रखना पड़ेगा मिस्टर पी को, जो कि यहाँ पर बाकी सारा काम मिस्टर पी कर देगा, और गाइस बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा सेंटर में, तो गाइस आराम से यहाँ पर जीत जाओगे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने लास्ट मैप की तरफ, तो गाइस लास्ट मैप होने वाला है नॉकआउट। अब गाइस नॉकआउट में यहाँ पर ट्विस्ट ये आने वाला है कि गाइस यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी ड्रिंक होता है गाइस वो यहाँ पर स्पॉन करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पियोगे तो गाइस यहाँ पर आपको आराम से आपका जो डैमेज होगा गाइस वो बढ़ जाएगा यहाँ पर, और गाइस बहुत ज्यादा हाई डैमेज होगी, तो यहाँ बेस्ट है कि आप उसको लेने की ट्राई करना। और गाइस यहाँ पर बात करें अपने बेस्ट ब्रॉलर की, तो गाइस बेस्ट ब्रॉलर यहाँ पर रहेंगे जो गाइस, तो गाइस मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज और बाकी मैंने दो यहाँ पर सपोर्ट ब्रॉलर लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग रेंज है मैंने यहाँ पर ब्रॉक लिया, क्योंकि इसका जो सुपर है उसका गाइस गैजेट है यहाँ पर किसी भी ऑब्स्टिकल को तोड़ सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन एरिया बनाता है मेरे दो सपोर्ट ब्रॉलर के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे सपोर्ट देके पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने गाइस सपोर्ट में यहाँ पर मैंने एक लिया मैंने यहाँ पर जेसी, क्योंकि जेसी का यहाँ पर जो टॉयलेट है वहाँ मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, और दूसरे में मैंने यहाँ पर लिया जो यहाँ थ्रोवर है, जो गाइस थ्रोवर यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर डोमिनेट कर सकता है किसी भी मैप के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर टिक लिया है। और गाइस अगर आपके पास ये ब्रॉलर नहीं है तो गाइस इस टिक के अलावा गाइस आप यहाँ पर डायनामाइक ले सकते हो, और गाइस यहाँ पर अपने जेसी के अलावा गाइस यहाँ पर अपने सर्ज ले सकते हो, या फिर गाइस आप यहाँ पर गेल ले सकते हो, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो गाइस ये थे मेरे सारे सारे टिप जो आपको यहाँ पर आराम से चैलेंज जीत सकता है। और गाइस मैं बोलूंगा अगर आप यहाँ पर हार भी गए तो कोई ज्यादा कुछ यहाँ पर टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम रिवॉर्ड मिल रहा है, आप टारगेट करना कि आप यहाँ पर सेकंड तक पहुंच जाओ, क्योंकि सेकंड में आपको यहाँ पर मेगा बॉक्स मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और उसके अलावा गाइस आपको टोटल यहाँ पर 5 जेम मिलने वाले, तो गाइस 5 जेम को ज्यादा कुछ वर्थ है नहीं। और अगर आपके यहाँ पर 5 जेम कम पड़ रहे कोई स्किन लेने के लिए या फिर कोई ब्रॉड पास लेने के लिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, वरना गाइस यहाँ पर ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। मुझे लगा था कि यहाँ पर कई समय 30 जेम्स या कम से कम 40 जेम्स तो मिलेंगी, बट कोई बात नहीं गाइस 5 जेम मिले क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको जानती होंगे आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।